हेलो फ्रेंड्स, संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाते हैं ऐसी मिठाई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस चीज़ों से ऐसी मिठाई बन सकती है। देखिए, इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी चावल, जो नॉर्मली आपके घर में चावल होता है जिससे आप रोज़ बनाते हैं चावल, उसे हम लेके इसे पीस लेंगे। हम इसको ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। आप मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगी तो ये ज़्यादा महीन नहीं होता है, दरदरा सा ही पीस आराम से पीस जाता है। इसे पीसने के बाद अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो इसे देसी घी ना हो तो रिफाइन ऑयल, या रिफाइन में तो ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, आप देसी घी का ही यूज करें। और इसमें हम डाल देंगे चावल को, चावल को हमने पीस कर छान कर रखा था, आप इसे छान लें छलनी से। और इसे हम एकदम लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। आपको घी, अगर चावल के अपने चावल के आटे के हिसाब से घी अगर कम लगे तो आप घी को थोड़ा और ज़्यादा ले लें, लेकिन हमारा एक कटोरी चावल का आटा था तो इसलिए हमारा घी जो है उतना परफेक्ट था। और चावल को देखिए, आप थोड़ी देर तक भूनेंगे तो बिल्कुल इसका जो है दाना दाना अलग सा हो जाएगा। इसे भूनने में यही इसका पहचान है कि चावल का आटा जो है कैसे भून चुका है या नहीं। इसे दबाते हुए अच्छी तरह से भूनें, इसका कलर बिल्कुल चेंज ना करें, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए, इसलिए एकदम लो फ्लेम पे इसे करीब 5 से 6 मिनट तक भून लें अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल कच्चा न रहे। देखिए, इसका अब हमारा आटा भून चुका है, दाना दाना बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम ले लेंगे उसी कटोरी के करीब, एक कटोरी हमारा ये दूध है, दूध हमारा पूरा मलाई वाला है, आप वैसे भी ले सकती हैं सादा दूध भी। देखिए, और उसी कटोरी से हमने लिया है एक कटोरी चीनी, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है हमारी चीनी, क्योंकि चीनी हमारी मोटे दाने वाली है इसलिए हमने थोड़ा कम लिया है, ताकि ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप चीनी को भी कम या बेसी थोड़ा कर सकती हैं। देखिए, वो दूध और चीनी हमारा अच्छी तरह से घुल चुका है। अब फिर से हम ये लेंगे चावल का अपना आटा जो हमने कढ़ाई में रखा था, और इसमें डालेंगे हम दूध को थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। इस टाइम हमने गैस को बंद रखा है, आप चाहे तो एकदम लो करके इसे मिला सकती हैं, क्योंकि हम मिलाने के बाद ही गैस को ऑन करूँगी। आप चाहे तो ऐसे ही लो फ्लेम पर भी इसे मिला सकती हैं। देखिए, इसको दूध डालते जाएं थोड़ा थोड़ा, और इसे अच्छी तरह से पहले मिलाते जाएं। और थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया है, इसे हमने क्यों बचाया है इसे हम बाद में बताएंगे, इसका भी बहुत ज़रूरी है बचाना। देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब गैस का फ्लेम हम लो करके जला लेंगे, ताकि देखिए इसमें हमारा गुठलियाँ नहीं पड़ी है, ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। अगर गैस जला के आप मिक्स करेंगी तो शायद ये गुठलियाँ पड़ सकती हैं, इसलिए गैस को ऑफ करके ही मिलाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी ही वीडियो हमारी रोज़ आती रहती है। देखिए, हमने सिर्फ सब चीज़ें घर की चीज़ों से बनाया है मिठाई। अब हमें 1 चम्मच घी डाला है इसमें, घी डाल के अच्छी तरह से फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो डालें या स्किप कर दें, लेकिन हमें थोड़ा सूखा लग रहा था इसलिए हमने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। और इसको ऐसे ही 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लें। देखिए, हमारा ये बिल्कुल डो जैसे तैयार हो गया है। अब हम इसे आसानी से अपनी मिठाई बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक ट्रे,
आप सिंपल सा हमने ट्रे चाय वाला ट्रे लिया है, आप चाहे तो इसे थाली में भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने कोई बर्फ़ी जमाने वाला नहीं लिया है, हमने सिंपल सा ट्रे ही लिया है ताकि ये इजली हर किसी के पास होता है। और थोड़ा थोड़ा हम इसे घी लगाकर ग्रीस कर लिए हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर को डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से जमाते जाएंगे। अभी वीडियो छोड़कर मत जाना प्लीज़, अभी बहुत सारा स्टेप बाकी है। देखिए पहले हम पूरी थाली में एक लेयर जमा लेंगे और हल्का सा पीछे घी लगाकर इसको सेट कर देंगे। अब हम ऊपर से डाल रहे हैं इस पे नारियल का बुरादा, आप इसे डालें या स्किप कर सकते हैं। जो हमने दूध बचाया था उसमें हम लेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा हमने बैटर को बचाया था उसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हमारी मिठाई जो है दो कलर में बनेगी। देखिए इसे मिलाकर अब हम उसके ऊपर से एक लेयर जमाएंगे। और आप लोग के पास अगर कलर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसलिए हमने आधे को कलर में किया है और आधे को सादा ही रखा है। देखिए पलछुले के पीछे हमने हल्का सा घी लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऐसे ही कर देंगी आप बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर भी हम नारियल का बुरादा छिड़क देंगे। देखिए आप चाहें तो अपनी मनपसंद का और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। हमने ऊपर से थोड़ा सा बादाम भी छिड़का है। देखिए अभी ये बिल्कुल जमा नहीं है, देखिए 15 से 20 मिनट अब हो चुके हैं और ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे, आप इसके कट करने से ही समझ रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी परफेक्ट जमी है। देखिए कट करने से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल हमारी बर्फी परफेक्ट जमी है, अच्छे से सेट हुई है। आपको हम इसे निकाल के और तोड़ के भी दिखाएंगे कि देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर है। देखिए है ना हमारी दो कलर में बर्फी, और तोड़ने पर भी बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसे बनाकर हफ्तों तक स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। देखिए इसी तरह हमारी सफ़ेद वाली भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसे भी आप देख सकती हैं कितना अच्छी ये भी जमी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।